भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को हम हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन अपने शिक्षकों को सम्मान देने का है। यह दिन विद्यार्थी जीवन के भविष्य को आकार देने वाले तमाम शिक्षकों को समर्पित माना जाता है। इसी मौके पर जयपुर में गांधी पथ स्थित निम्फ अकेडमी स्कूल में आज मंगलवार को शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान निम्फ अकेडमी ने अलग अलग विशिष्ट श्रेणियों के पुरस्कार देकर टीचर्स को सम्मानित किया। निम्फ अकेडमी स्कूल ने दो या तीन काम तो ऐसे किए थे जो मुझे याद आ रहा है कि शायद रिकॉर्डेड वर्क किए थे। सबसे पहले क्लासेस स्टार्ट करी हमने बहुत लाइट टाइम पे। ये हमने देखा कि लगभग 15 से 20 मार्च के बीच में सब क्लियर हो गया था। स्थिति ये है कि एक बार सभी स्कूल्स ने कमेटी बनाई और उन्होंने एक सर्कुलेट किया, एक सर्कुलर, ये फीसेस नहीं आ पा रही तो वन मंथ के लिए स्ट्राइक करी स्कूल्स ने। अगर आप में से किसी को याद रखना हो, आप में से किसी को याद है, स्ट्राइक नहीं की थी हमने, सिंगल डे की स्ट्राइक नहीं करी थी हमने, लगातार बच्चों को पढ़ाया। क्योंकि शिक्षक का पहला कर्तव्य क्या होता है, हर कार्य से माना की आजीविका आना जरूरी होता है। आपको बता दें, एकेडमी में सीनियर कक्षा के छात्र छात्राओं ने अपने मनपसंद टीचर का रूप धारण करके रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान बच्चों की कविताएं किस्से सुनकर सभी शिक्षक भाव विभोर हो गए। वहीं दूसरी ओर स्कूल के निदेशक श्री एमपी सिंह ने सभी शिक्षकों का उनके अमूल्य योगदान के लिए आभार प्रकट किया। सीएफओ श्री देवेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षक ही है जो हर व्यक्ति के लिए सफलता के द्वार खोलता है। व्यक्ति के जीवन में शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार करता है। शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंत में सभी बच्चों ने संपूर्ण टीचिंग स्टाफ को धन्यवाद देकर अपना स्नेह और आदर प्रकट किया। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं।